क्रांतिकारी थे, उन्होंने दीवालों पे और छतों को गर्दा गर्दा कर दिया है, उसके बारे में आपका क्या विचार है और आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, तो ये बात आपने बहुत सही करी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हम लोग से सहयोग की उम्मीद रखता है तो हम लोग उसको पूरा सहयोग करेंगे, अगर अगेंस्ट होता है कंट्रोल तो उसके बारे में क्या ख्याल है? पहले बताएंगे, बाद में बचाएंगे। बात का मैटर है। अच्छा अच्छा, तो भाई लोग, हमारी जो पब्लिक देख रही है आपको इस टाइम यूट्यूब पे, तो आप उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? लाइक कमेंट सब्सक्राइब। और भाई साहब, एक बार अगर मौका मिले तो आप जरूर इस जगह पर आइए। जी जी, लखनऊ के रेजिडेंसी में। जी जी, बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप लोगों को कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जी जी, और क्या बताएं, अच्छा लगा घूमकर। अच्छा अच्छा, और हमसे मिलके कैसा लगा भाई आपको? बढ़िया लगा भाई, थैंक यू। चलिए, थैंक यू भाई। तो फाइनली गाइज, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बाय बाय बाय। तो फाइनली गाइज, हम लोग यहाँ से डॉक्टर फेयरर्स के हाउस से निकल रहे हैं। तो डॉक्टर फेयरर्स हाउस में बेसिकली ये था कि विलियम लॉरेंस आए हुए थे, वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गए थे, तो उनको यहाँ पे लाया गया था, और 4 जुलाई को उनकी फिर डेथ हो गई थी, उनका गेम बच गया था ब्रो। सो गाइस, उस बिल्डिंग से निकलने के बाद हम आपको ले चलते हैं पुराने ज़माने की एक नई और रोमांचक बिल्डिंग में। सो गाइस, अब हम लोग चलने वाले हैं एक यहाँ के एक स्पेशल और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घर के अंदर, जो जिसे बैंकेट हॉल भी कहा जाता है। बैंकेट हॉल का मतलब यहाँ पे गाइस, जितने भी मतलब यहाँ पे खाना वगैरह होता था वो इसी बिल्डिंग में होता था, और कोई भी पार्टीज वगैरह अरेंज की जाती थी। तो गाइस देख सकते हैं कि ये हमारा बैंकेट हॉल है। बैंकेट हॉल में यहाँ पे बेसिकली जो खाना वगैरह, मुशायरा, कुछ भी पार्टीज अरेंज करी जाती थी वो इसी बिल्डिंग में अरेंज करी जाती थी। और आप देख सकते हैं बिल्डिंग कितनी ही खूबसूरत बनी हुई होगी, यहाँ की हिस्टोरिकल प्लेस है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि उस ज़माने में, आप सिर्फ एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर आप उस ज़माने में हो और ये उसी तरह सजा हुआ हो जैसे कि ये पहले हुआ करता था, बहुत अच्छा लगेगा। तो हम आपको पूरा व्यू दिखाते हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना ही प्यारा नज़ारा यहाँ पे लग रहा है। तो गाइज, जिस टाइम मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ये उस टाइम का डाइनिंग हॉल हुआ करता होगा, और यहाँ पे मतलब स्टेज वगैरह था जिससे मतलब मुशायरा वगैरह या कुछ पार्टीज अरेंज करी जाती होंगी। ये मेन हॉल यहाँ पे है, और बाकी आप देख सकते हैं ये कमरे बने हुए हैं जहाँ पे लोग अपने अनुसार जो है यहाँ पे काम कर सकते थे। और गाइज, आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताएंगे कि आप देख सकते हैं कि ये जो दो पिलर लगे हुए हैं, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पुराने ज़माने में जो छत को रोकने का काम किया जाता था, वो पिलर देके ऊपर उनके बल्लियाँ या लकड़ी का कुछ यूज़ करके उनको छत पे बना दिया जाता था। और यहाँ पे जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है वो लाखौरी ईंटों से बनी हुई है, और उसमें मसाला यूज़ किया गया है। अगर आपको मसाला के बारे में जानना है, हमने बड़ी इमामबाड़ा के बारे में आपको बताया था, तो गाइज आप वहाँ से वीडियो चेक कर लीजिएगा। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये जो पूरी बिल्डिंग यहाँ पे अभी भी मतलब बिल्डिंग को सपोर्ट दिया गया है, इस तरह से इस बिल्डिंग में डैमेज पहुँचा 1857 के बाद, कि यहाँ पे पूरा मतलब हर जगह गोलियों के और तरह तरह के तोप के निशान बने हुए हैं। तो गाइज देख सकते हैं वहाँ पे दो प्रेम के पंछी जा रहे हैं।
भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? सो गाइस बैंकेट हॉल दिखाने के बाद अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि बैंकेट हॉल में खाना पहुंचाया कहां से जाता था और इस पूरे एरिया में जो खाना बनाया जाता था वो बनता कहां था आखिर। तो चलिए गाइस हम देखते हैं कि खाना कहां बनता था और अंदर का क्या नज़ारा रहता था। तो वीडियो में गाइस आप बने रहिएगा। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं रसोई घर की तरफ और देखते हैं रसोई घर में कैसा क्या सीन रहता है। ये हमारे अमन भाई रसोई की तलाश में, खाना नहीं मिलेगा सर आपको यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं अमन भाई अपने चैनल का प्रमोशन कर रहे हैं, इनका चैनल का नाम है फाइंडिंग टेस्ट। तो गाइस आप उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा क्योंकि अमन भाई बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं फूड्स के बारे में जो कि लखनऊ और अलग अलग शहरों के बारे में होने वाला है। तो गाइस रसोई घर कवर अप करने के बाद हम लोग चलते हैं, आपको दिखाने वाले हैं बेगम का महल। तो रसोई घर में ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं थी, बड़े बड़े हॉल्स बने हुए थे और वहाँ पे रूम्स बने थे जैसे कि पुराने ज़माने में कुछ अरेंजमेंट हुआ करता होगा, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोग को लगा। तो गाइस अब हम आपको लेके चलने वाले हैं बेगम कोठी। बेगम कोठी के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो रेजिडेंस रहे होंगे तो उनके बेगम लोग यहीं पर रहती होंगी। तो गाइस चलिए हम आपको लेके चलते हैं अंदर। तो गाइज ये जो बेगम कोठी थी इसे बेसिकली बनाया गया था आसिफुद्दौला के ज़रिए एंड देन उसके बाद इसको बेच दिया गया था सेक्विल मार्क्स को एंड देन उन्होंने फिर 1802 में जॉर्ज चचा को बेचा था और वो यूरोपियन की यहाँ पे एक छोटी मोटी शॉप चलाते थे, जैसे कि आप लोग परचून की दुकान सुने होंगे वैसे यहाँ पे यूरोपियन सामान की यहाँ पे शॉप चलती थी। एंड फिर उन्होंने अपना ये प्यारा सा घर और अपना व्यापार जॉन कैलुडन को सेल कर दिया था। तो कैलुडन भाई साहब को ये बेचने के बाद पोती की शादी नसीरुद्दीन के साथ हुई थी। तो गाइस फाइनली जो नसीरुद्दीन हैदर की डेथ होने के बाद उनकी वाइफ और उनकी स्टेप डॉटर फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, जिन्होंने यहाँ पे एक मस्जिद भी बनवाई थी और इमामबाड़ा भी बनवाया था बगल में ही। इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बेगम कोठी में हर एक फैसिलिटी दी गई है ताकि यहाँ पे किसी भी तरह की किसी को परेशानी ना हो। और आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यहाँ पे बना हुआ है बेसिकली इसे पुराने ज़माने में आग जलाने के काम आता था क्योंकि पहले तो हीटर या ब्लोवर वगैरह नहीं होते थे क्योंकि आपने प्लग लगाया और चिल पे आग जलाई जाती थी एंड आग का जो धुआँ रहता था वो बिल्डिंग के बाहर चला जाता था। तो हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस हम लोग बेगम कोठी से निकल चुके हैं और हम आपको लेके चलते हैं मॉस्क्यू की तरफ। तो बेसिकली बेगम कोठी में गाइस हॉल्स वगैरह बने हुए थे, रूम्स वगैरह बने हुए थे जो पहले बहुत शानदार हुआ करते होंगे, लेकिन अभी ऐसा ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ खंडहर ही बचा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जब पहले ज़माने में ये चलता हुआ होगा तो गाइस इमेजिन कर सकते हैं कितना ही खूबसूरत लगता होगा। देख सकते हैं यहाँ पे फाउंटेन की भी जगह दी हुई, यहाँ पे पहले फाउंटेन रहा होगा एंड पीछे जो मॉस्क्यू है हमने आपको इसके बारे में बताया था। तो ये मॉस्क्यू है और मॉस्क्यू देख सकते हैं। गाइस देख सकते हैं ये है लखनऊ की रेजिडेंसी का म्यूज़ियम जो कि मेन बिल्डिंग के पीछे बना हुआ है। सो गाइस म्यूज़ियम के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो गाइस देख सकते हैं कि ये वही तोपें हैं जो लड़ाई में यूज़ करी गई थी, ये आज भी एएसआई के ज़रिए यहाँ पे सजा के रखी हुई हैं ताकि टूरिस्ट प्लेस आप आएँ और यहाँ पे देख सकें।
सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे तोप्स वगैरह लगी हुई है। बेसिकली यहाँ पे तहखाना था जहाँ पे अंग्रेज़ लोग को आराम से गर्मियों में बचा जा सके, तो इसलिए ये यूज़ किया जाता था। गाइस देख सकते हैं ये पिलर यहाँ पे फॉरेन का झंडा लगता था, एंड ये देख सकते हैं रिवोल्ट हुआ था 1857 की में, तो देख सकते हैं कितना भारी नुकसान पहुँचा था बिल्डिंग को। हर जगह निशानी आप लोग देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे व्यू हो रहा है, और ये तोप्स वगैरह उस समय की हैं जो यूज़ की गई थी, तो इसको अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। तो गाइस हम आपको ले के आ चुके हैं सेंट मैरी चर्च में, जो उस टाइम पे सीमेंट से बनाया गया था और जो कि बनाया गया था गॉथिक स्टाइल में। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी जो ब्रिटिशर्स थे जिनकी डेथ हुई थी मैक्सिमम 2000 के अप्रॉक्स यहाँ पे जो फोर्सेस थी वो यहीं पे उनको दफनाया गया था, एंड हम आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये वही चर्च है जिसके बारे में बताया था आपको। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ समाधियाँ ही बनी हुई है, और हर समाधि के ऊपर पत्थर लिखा हुआ है एंड उसका नाम लिखा हुआ है जो भी व्यक्ति यहाँ पे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या ही नज़ारा हुआ होगा उस टाइम पे। तो फाइनली गाइज हमारा रेजिडेंस का जो ब्लॉग था वो यहीं तक था। आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अमन भाई आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे इतनी डिटेल में कुछ बातें कुछ नहीं पता था जो कि आपने मुझे इतनी डिटेल में बताई। अरे मुझे ये पता चला कि रेजिडेंसी मेन बना था कैसे, क्या हुआ था, इसमें लड़ाई कैसे हुई थी, मुझे जीरो कुछ नहीं पता था। अच्छा आपने पब्लिक के लिए बहुत मेहनत की है, भाई के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट की आपसे उम्मीद है। तो गाइज आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन नहीं दबाया हो यार दबा दो ना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार करो ना भाई, हाँ यही लाल वाला दबा दीजिए। चलिए गाइस फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा एंड आपको ऐसी कंटेंट मिलता रहेगा तो परेशान होने की नीड नहीं है।